राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह बंसल, जेजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मोहन सिंह ने जिला कलेक्ट्रेट में उपखंड अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी विजय बंसल के नामांकन प्रक्रिया के मौके पर सांसद रंजीता कोहली, अभयवीर सिंह, युवा नेता यश अग्रवाल सहित काफी भाजपाई एवं समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस का जाप्ता भी मौजूद रहा। जाएंगे 15 साल आपका राज, आप 5 साल आपने विपक्ष का भी देखा, क्या कहना चाहोगे? मुद्दे मैं कल भी बता चुका हूँ, 3 बार मैं विधायक रहा, 1 बार सभापति, 1 बार उपसभापति नगर परिषद रहा। 25 साल के अंदर इतने काम कराएंगे, बहुत काम बाकी रहे हैं। कम मेरे हिसाब से भरतपुर में 2 ही काम बाकी रहे हैं, एक तो स्वयं गंगा का जीर्णोद्धार करा के पर्यटक स्थल में इसको विकसित करना, एक बेरोजगारियों के लिए इंडस्ट्रियल हब बनवाकर इनकी बेरोजगारी दूर करना। बाकी काम तो मैं अभी वहाँ भी बता चुका, फिर बता देता हूँ। अली 2003 में से विधायक बना था, सबसे बड़ी डिमांड थी भरतपुर की, 25 साल से चली आ रही थी। कांग्रेस ने 25 साल 30 साल में कोई वो नहीं करते हुए कि भरतपुर को संभाग मुख्यालय बनाया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री को कि उन्होंने 2004 में भरतपुर को संभाग बनाया। उसके बाद दोबारा भरतपुर में मेडिकल कॉलेज खोला, भरतपुर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, भरतपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला। इतने बड़े बड़े काम भी हुए। भरतपुर को जयपुर तक जो एक्सीडेंट होते थे उनसे निजात पाने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत 4 लेन बनाई। 2018 में 13 से 18 के जो कार्यकाल के बीच में जब भरतपुर महारानी साहब पधारी थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भरतपुर की व्यवस्था को सुधारने के लिए भरतपुर नगर परिषद को क्रमोन्नत कर नगर निगम बनाया जाए। तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने उसे ऑब्जेक्शन किया कि ना तो इतना बड़ा एरिया है, ना इतनी पॉपुलेशन है जो उसमें आती है। तब मैंने अनुरोध पर भरतपुर नगर परिषद को नगर निगम बनाया, 200 करोड़ रुपए का फंड देकर इसको किया। दुर्भाग्य की बात यह है कि 2013 से 18 के बाद 18-23 जो सत्ता कांग्रेस की आई, इसमें माननीय गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के MLA को चीफ मिनिस्टर बना दिया, लूट मार कर जिम्मेदारी दे दी। उस नगर निगम जो हमने बड़ी मेहनत से पाली थी, आज देखो सफाई ठेका दे दिया, 50 करोड़ रुपए का घोटाला। CFC के बुलाने 50 करोड़ रुपए का घोटाले। इन घोटालों करते हुए 5 साल में जनता ने मेरे 15 साल और इसके 5 साल की तुलना कर ली है, और तुलना में आप सब लोगों को मालूम है जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि 25 जुलाई का इंतजार करके, 25 नवंबर का इंतजार कर रही है कि सुबह ही से लेन लगा के इससे निजात मिले, इससे निजात। जिले में 7 विधानसभा सीटों में कितने मुकम्मल कर पाएगा आपका प्रयास? 7 की 7 तो मैं 7 साथ की साथ जी बागियों का चुनाव लड़ रहे हैं क्या? उनसे कोई नहीं लड़ रहे हैं, समझदार व्यक्ति हैं, पार्टी के RSS के वो है, बहुत अनुशासित है, फोन भरा है, बातचीत चल रही है, निश्चित रूप से वापस से ठीक है सर, ठीक कर रहे हैं। और हमारी जो पार्टी की नीति है वो नीति है कि जैसे हरियाणा में 75% रोजगार जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें वहां के युवाओं को दिया गया है, लोकल स्टेट के युवाओं को दिया गया है, वही राजस्थान में भी लागू होना चाहिए। 50% महिलाओं का आरक्षण जो वहाँ पंचायत राज में दिया वो यहाँ भी लागू होना चाहिए। देवालय के साथ पुस्तकालय जो डिजिटल कॉन्सेप्ट हरियाणा ने लागू किया है वो CFC ने लागू नहीं किया है। और सबसे ज़्यादा पीड़ित हमारे भरतपुर के जो किसान हैं वो MSP को लेकर के हैं। किसानों की जो खरीद है वो MSP पर नहीं होती है, बाजरा जैसी चीज़ की खरीद नहीं होती है। हरियाणा में 80% बाजरा राजस्थान का खरीदा जाता है, तो हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में खुद में भी खरीद हो MSP पर, जो कि किसानों को राहत मिले। इसके अलावा GST के कारण जो डीजल और पेट्रोल के रेट में जो वेरिएशन है, जो बॉर्डर के हमारे एरिया के अंदर पेट्रोल पंप जो सूखे रहते हैं, हरियाणा और UP के पंप पर बड़े सब्ज बाग रहता है, उसके लिए GST की दरों को राजस्थान में कम किया जाना चाहिए, जिससे पब्लिक को भी राहत मिलेगी और जो व्यापारी पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन वगैरह अपना जो संचालन करते हैं व्यापार का, उनको भी राहत मिलेगी।